सुगंध नगरी में डोसा कॉर्नर अपने अलग स्वाद के चलते लोगों को काफी पसंद आ रहा है। शाम ढलते ही लोग यहाँ पर डोसा खाने आते हैं। जो भी राहगीर यहाँ से निकलता है वो इस डोसे की खुशबू से खिंचा चला आता है। बीते करीब 8 साल से ये डोसा कॉर्नर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। जी हाँ, कन्नौज में अब आपको चेन्नई के डोसे का स्वाद मिलेगा। साधारण से दिखने वाली दुकान पर बहुत दूर दूर से लोग डोसा खाने आते हैं। यहाँ के डोसे चेन्नई की याद दिलाते हैं। इन डोसों में पड़ने वाले मसाले भी वहीं के होते हैं, जो कि इनका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं। मेरा नाम बालामूर्ति भैया, मद्रास का रहने वाला है। डोसा इडली काम लगा है, यहाँ पे 8 साल हो गए। डोसा में बढ़िया भैया, मसाला डोसा चावल दाल भी है, चावल दाल मिक्स है, आलू मसाला प्याज टमाटर जी, चावल का तो इतना बढ़िया है भैया, तकलीफ नहीं करेगा। तली हुई चीज नहीं है जी, सारा आइटम वो आलू कुकर से बोलते हैं, मसाला वसाला अलग से बनाते हैं, वो आलू के लिए अलग से मसाला बनते हैं हम लोग, वो आलू मसाला बोलते हैं। वो बगल में भैया का दुकान भी है फतेहगढ़ में, तो हम लोग इधर भी लगाए। हाँ, इसी जगह तरासी अन्ना 50 रुपये मसाला डोसा, पनीर का 80 रुपये, इडली 20 रुपये एक। ये विशाल मेगा मार्ट के पास में मकरन लगा डोसा, यहाँ का फेमस बहुत अच्छा रहता है ये, और बहुत ही पुराना है। चेन्नई के हैं ये, साल तो हो ही गई नहीं आराम से, सबसे अलग है इनका घर ऐसा लगता है, सब घर ऐसा लगता है बिल्कुल, सबसे अलग।